अस्सलामुअलैकुम जनाब भाई आल फ्रेंड की हाल चाल ठीक ठाक उम्मीद है अल्लाह पाक के करम और फजल से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिंदगी दे मेले। जनाब इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाहौर में, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा मीनारे पाकिस्तान भी नज़र आ रहा होगा, मेरी बैक साइड पर जो है ना बादशाही मस्जिद है वो भी आपको अभी तो नहीं नज़र आ रही होगी लेकिन मैं इंशाल्लाह सारे व्यू आपको कराऊँगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये देखें यादगार चौक में जो पुल है पुल के ऊपर खड़े हुए हैं जनाब। दादा के मेले की पूरी रौनक लगी हुई है आज। बिलाल साहब मेरे साथ हैं, बिलाल साहब मेरे साथ मेला देखने के लिए आए हुए हैं जनाब। हम आपको मेला दिखाएंगे बिल्कुल दादा साहब का और पूरी मोहब्बत के साथ दिखाएंगे। व्यूअर्स आपने हमारे साथ रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी भाई फ्रेंड हमारा भी लोग जो आज का स्टार्ट हो गया है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा यादगार का माहौल। और मैं इधर भी दिखाता हूँ आपका, बहुत प्यारा व्यू बना हुआ है ये देखें। दुनिया का एक अपना ही राज्य है अभी आगे जाके दिखाएंगे हम आपको मेला भी और सलाम भी करवाएंगे और सारा माहौल जो मेले का वो आज दिखाएंगे हम आपको। मामा व्यू तो ला दे। हाँ जी बिलाल साहब मेरे नाल बैठे जनाब, चाय का मजा ले रहे हैं। थकावट हो गई नहीं साहब, मैं फिर चाय जरा पी के रौनक आ जाएगी। सलाम करिए दादा साहब से जाके फिर अगले साहब को पहले तो निकलेंगे अजीत मक्की सरकार से। पहले उधर जाना, हाँ अजीत मक्की सरकार से सलाम करेंगे फिर उसको सलाम करके दादा से उधर जाना। ठीक हो गया, ठीक है जी। पहला मक्की सरकार से आ जाओ बिलाल साहब आ जाओ। हाँ जी फ्रेंड ये बाजार हैगा अजीत मक्की सरकार, दादा साहब तो पहले सैयद फकीर ड्यूटीदार बीबी पाक दामन दे। बड़ा
जी चेक पोस्ट से जी गुजर रहे पुलिस की बनी हुई पहले सरकार का ये जो दरबार शरीफ है सामने ये इधर से जो लाइन लगी हुई है ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से कतार में अंदर जाते हैं लोग और ये सामने जो अंदर का सारा हिस्सा है ना ये दादा हजूरगंज बख्श सरकार का बाहर से आप देख रहे हैं। अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे कतार में लगते हैं फिर जाके आपको अंदर दरबार शरीफ के ज्यारत में से सारी कतारें लगी हुई हैं लाइनों में लग के लोग अंदर जा रहे हैं जो ये जगह जहाँ पर जूते रखवाते हैं लोग अपने अपने जूते जमा करवा के अंदर चले जाते हैं। अच्छा जी ये दादा हजूरगंज बख्श सरकार के जो दरबार शरीफ के बाहर है ना बाहर वाली जगह जहाँ पर चिरागा की जाती है लोग अपनी अपनी जो मन्नत है चिरागा यहाँ पर आके करते हैं। ये बाबा जी बना रहे चिराग बाबा जी सारे चिराग बना के चलाने की जी बाबा जी कितों आए जी इतों ही जी कितों अच्छा अच्छा
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਡਾਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਠੀਕ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ लोग बना रहे हैं अपनी मोहब्बत के साथ जो मिट्टी दादा हजूर के हैं वो अपने अपने बना रहे हैं चिराग और जलाएंगे यहाँ पर बहुत प्यारा दरबार शरीफ सजाया है बहुत दादा हजूर के हाथ की दादा कबूल करन माशाल्लाह बहुत सारे लोग जड़े आराम फरमा रहे हैं आके दादा दे थके हुए जड़े लोग थक गए आके रा ये देखे इस साइड पे भी लोग सब मेला देख देख के थक गए और आराम फरमा रहे हैं आप देख रहे हैं बहुत प्यारा नज़ारा बना हुआ है जनाब दादा हजूरगंज के सरकार के काफी अरसे के बाद आए हैं लेकिन देखा है कि बहुत प्यारा बना हुआ है
ਆਪ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ देख रहे हैं आप मस्जिद का बहुत ज़्यादा नज़ारा है। मस्जिद दादा हजूरगंज के सरकार के जो बहुत सजाई हुई बहुत प्यारी, ये देखें सदियों से ऐसे ही मीनार सजाए जा रहे हैं। ये जब भी बचपन से देख रहे हैं कि ऐसे ही है। लोग सलाम करने के बाद यहाँ पर आते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, आराम करते हैं दोस्तों के साथ। और भी जी वीवर आप देख रहे हैं जनाब, बहुत प्यारा कितना हसीन प्यारा नज़ारा बना हुआ है। देखो ये सामने मस्जिद है, नमाज का टाइम हो रहा है। देखते हैं भी अगर आप कबूतर कितना बैठा हुआ है दादा के। ठीक है भी नमाज के बाद ही आपको मिलेंगे।